लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पर भाजपा जयपुर शहर में पानी की समस्या को लेकर के कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि बीजेपी के पास पिछले 5 साल की उपलब्धि गिनाने को कुछ भी नहीं है, जनता में उनका विश्वास नहीं रहा है। अर्चना शर्मा ने कहा कि जल स्वावलंबन योजना का जिक्र अरुण चतुर्वेदी ने किया है, वह पिछली सरकार की सिर्फ चंदा बटोरने की कवायद थी और इस योजना के तहत जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वे भी उनकी सच्चाई भी पश्चिमी राजस्थान में आई बाढ़ के समय लोगों को लग गई थी। उन्होंने पानी की समस्या को लेकर के कहा कि जयपुर शहर में पानी की आपूर्ति पूर्ण रूप से हो रही है, जहां परेशानी है वहां पर टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में आरोप लगाने की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही, क्योंकि उनके पास मुद्दे समाप्त हो गए, उनका आभार समाप्त हो रहा है, जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही। ऐसे झूठे आरोप लगाकर भी जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। पूर्व मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी ने जिस जल स्वावलंबन अभियान की को लेकर के एक झूठ बोला है, उसकी सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान चंदा बटोरने की कवायद शुरू की थी, जिसे जल स्वावलंबन अभियान कहा गया था, और उसमें कितना चंदा इकट्ठा हुआ इसकी कभी कोई पार्टनरशिप के साथ जानकारी प्राप्त नहीं, और जिन स्ट्रक्चर्स को इसके माध्यम से बनाने की बात की गई थी उसकी कोई, तो जब जोधपुर में बाढ़ आई थी उन जिलों में देखने को मिली थी जो जोधपुर संभाग में। तो सच्चाई ये है कि इस समय चुनाव का समय है और लोगों कैसे भ्रमित करें इसके लिए रोज नए नए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।